हेलो एवरीवन आई एम द टीचर टू दिस क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास है सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन दूसरी स्टेटमेंट है सेंसरी न्यूरोन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स तीसरी स्टेटमेंट मोटर न्यूरोन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड और चौथी स्टेटमेंट है द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क तो और यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड बी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स बतानी हैं जो कि सही हैं चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वट इज़ अ रिफ्लैक्स एक्शन सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन एक्शन है इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलस किसी स्टिमुलस के लिए एक सडन एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन सो दिस इज़ अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन और अगर हम बात करें रिफ्लेक्स आर्क की सो रिफ्लेक्स आर्क क्या है सबसे पहले रिसेप्टर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, देन स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के बाद मोटर न्यूरॉन and last is effector or muscle so this sequence is known as reflex arc so according to this information if we check the correct statements so correct statements are first and fourth so the correct option to this question is c which is first and fourth statement first statement is sudden action in response to something in the environment is called reflex action and fourth is the path through which signal are transmitted from receptor to a muscle or a gland is called reflex arc so that's all the explanation to this question thank you